फाइल न्यू, यहाँ पर हम पार्ट सेलेक्ट करेंगे, पार्ट ओके। यहाँ पर हम एक बॉडी ऐड करेंगे, इंसर्ट बॉडी। अब स्केच पोजीशन प्लेन सेलेक्ट करेंगे, एक्स वाई ओके। यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल निकालना है दोस्तों, इसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। सिमेट्री करके लेंगे आप इसे विथ रिस्पेक्ट टू एच, ये हमारे डायमेंशन होंगे। अब हम इसे एडिट करके लेंगे, इसे 20, यहाँ पर 25 रखेंगे। विड्थ कर देंगे 8 mm, ये थोड़ा ज़्यादा है, इसे हम 50 करेंगे ओके। अब इसको हम मिरर करेंगे, मिरर पे जाएंगे, बॉडी सेलेक्ट करेंगे और वर्टिकल एक्सिस, और ये हो गया मिरर। अगेन गो फॉर रेक्टेंगल, यहाँ पर हम इसे सिमेट्री करके लेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। राइट क्लिक करेंगे, अलाउ सिमेट्रिकल लाइन सिलेक्ट, ये हो गया। सिमेट्री करने की वजह से होता है कि हम पार्ट को इक्वली डिवाइड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस। ये ओवर कंस्ट्रक्शन इसे हम डिलीट कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। ये मैं करता हूँ 2.5। और जो एक्स्ट्रा है उसे हम डिलीट कर देंगे, इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये कंटिन्यू में रहता है। और ये हमारा बेस पार्ट तैयार हो गया, इसको हम एक्सट्रूड करेंगे, यहाँ से बैक, इसकी वैल्यू हम देंगे 4 mm। व्यू देखेंगे यहाँ से, लेकिन और कम करके 3 mm रखेंगे, इट्स ओके। यहाँ पे हमें एजेस नहीं दिखा है, तो गो फॉर, यहाँ से हम क्राउन सेलेक्ट करेंगे, इससे हमें सब एजेस दिखाई देने लगे। फिर से इंसर्ट में जाएंगे, बॉडी ऐड करेंगे, वापस वही प्लेन सिलेक्ट करेंगे एक्स वाई ओके। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें लो लाइट मोड सिलेक्ट करना है, इसकी वजह से होता है कि हमारे जो भी कंस्ट्रक्शन होते हैं वो पहले स्केच पे डिपेंड नहीं होते हैं, इसकी वजह से हमारी डिपेंडेंसी, एक स्केच की डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर नहीं आती। यहाँ पे हम सिमेट्री करके लेंगे, यहाँ पर हमारा सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। राइट क्लिक, सिलेक्ट, राइट क्लिक, अलाउ सिमेट्री लाइन और ओके। यहाँ से हम इसे डायमेंशन दे देंगे, इसे करेंगे 5 mm, इसे भी 5 mm, और ये हो गया। एक्सट्रूड ऐड करेंगे, इसे मैं 100 mm कर देता हूँ। यहाँ से हम limit 1, यहाँ से हम इसे limit 2 देंगे, -3 mm ओके। ये कुछ इस तरह दिखेगा,
सो गो फॉर नेक्स्ट बॉडी, सेम इंसर्ट में जाएंगे, बॉडी सिलेक्ट करेंगे, स्केच पोजीशन सिलेक्ट एक्स वाई प्लेन, ओके। पहले लो लाइट मोड एक्टिव करेंगे, यहाँ पे अभी हमें स्टैंड तैयार करना है जिसमें हम हमारा सैनिटाइजर बॉटल रखेंगे, इसे भी मैं सिमेट्री कर देता हूँ, जैसे टू वर्टिकल, इसे यहाँ से मैं कोइंसिडेंस कर सकता हूँ या फिर डिस्टेंस जीरो करके भी हो सकता है, इसे डायमेंशन दे देंगे, यहाँ पे 50 mm, ये भी 50 mm, और इसे ज़ीरो कर देंगे, ओके ये तैयार। यहाँ से फिर से ऐड करेंगे, यहाँ पे भी हमें दो लिमिट देनी पड़ेंगी, फर्स्ट लिमिट रखेंगे 75, और सेकंड लिमिट, इसके लिए बॉडी में जाएंगे, पार्ट डबल क्लिक, यहाँ पे मोर ऑप्शन है, मोर ऑप्शन से पहले थोड़ा 70, मोर ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे 60 कर देता हूँ, -60, अलवेज प्रीव्यू हम देख सकते हैं, उससे हमें पता चलता है ये कुछ ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं और 65 करता हूँ, ये प्रीव्यू हो गया, और जैसे ओके, इसे अभी मैं 1 mm का शेयर कर देता हूँ, ये हो गया। और नई बॉडी लेंगे, सेम प्लेन, लो लाइट में एक्टिव करेंगे, इसे सिमेट्री करके लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, यहाँ से हम इसे कंस्टेंट कर सकते हैं, सिलेक्ट राइट क्लिक, कोइंसिडेंस, ओके। इसे रखेंगे 10 mm, इसे कर देता हूँ 4 mm, इसे 3 कर देंगे, ओके। एक्सट्रू करेंगे, इसे भी पैड करेंगे, 2 लिमिट देना पड़ेगा, लिमिट वन रखेंगे 92, यहाँ से सेकेंड लिमिट में रखेंगे 90, ये कुछ ज़्यादा लग रहा है ना, हमें ज़रूरत नहीं है इसे, 1 mm का थिकनेस बहुत हो गया, ओके। अभी हमें हमारा फुट पेडल का स्केच चाहिए, इसके लिए अगेन सिलेक्ट बॉडी, स्केच पोजीशन, यहाँ पे हम जेड वाई प्लेन लेंगे, यहाँ से लो एट मोड, यहाँ पे हम रेक्टेंगल में जाएंगे, मोड ऑप्शन, यहाँ पे हम थर्ड वाला पैरेललोग्राम लेंगे, ये फुट पैडल तैयार करेंगे, यहाँ पर हम इसे कंस्टेंट करेंगे, सबसे पहले इसे एंगल देना होगा, इसे हम 90 कर देंगे, ओके। अभी इसे हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई
डायमेंशन देंगे। हॉरिजॉन्टल के साथ एक डायमेंशन देंगे। अब ये पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया है। से विचार करके लेंगे इसे, हम यहाँ पे मिरर करेंगे दोस्तों। एक एमएम का लेता हूँ मिरर, बहुत ही छोटा लग रहा है। दो एमएम का करेंगे, ये सही। यहाँ पे मैं मिरर कर रहा हूँ, मिरर की वजह से जितना हम एक साइड में देते हैं उतना दूसरी साइड में होता है। ये कुछ तरह इस तरह दिखेगा, लेकिन ये सब अलग अलग बॉडी में, हमें ये सब एक बॉडी में चाहिए जिससे हमारा एक पूरा पार्ट दिखेगा। इसलिए एक बॉडी लूँगा मैं, राइट क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाके इसको नाम दूँगा। इसे हम मेन बॉडी कहेंगे, जिसके अंदर हमारे सब बॉडी रहेंगे। अब एक एक करके सब बॉडीज को उसमें ऐड करेंगे। राइट क्लिक एड मेन बॉडी सेलेक्ट एड, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट एड टू मेन बॉडी। ओके, सेम प्रोसेस फॉर ऑल द बॉडीज। इससे हमें ये बॉडी मिल जाएगी। ओके, ये हो गया, इसे अपडेट करके लेंगे। डिफाइन इन वर्क ऑब्जेक्ट, अभी इसे हम शेल करेंगे। एक एमएम का शेल करेंगे यहाँ से। ओके, अब बॉडी एक होने की वजह से ये हमें एक ही इसमें पूरी बॉडी एक साथ शेल हो गई है। अगर हम एक एक बॉडी करते तो वो अलग अलग होता, इसलिए मैंने सब बॉडीज को एक एक बॉडी में ऐड करके रख लिया और उसके बाद उसे शेल किया। सो दिस इज आवर बॉडी रेडी। यहाँ से कुछ शार्प एजेस उसे हम रेडियस दे सकते हैं। सिलेक्ट एज फिलेट, यहाँ पे सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए हमारा। मैं यहाँ पे 0.1 का रेडियस दे देता हूँ। ओके, ये ऊपर भी देते रहेंगे। अब यहाँ पर देखना है पूरा एक साथ सिलेक्ट हो 0.1। ओके, इसे भी दे देंगे। सेम 0.1 का इसे भी रेडियस प्रोवाइड करेंगे। जो जो शार्प एज है उसे हम रेडियस दे सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। अंदर की जरूरत नहीं। थोड़ी सिंबल आता है तो हमें यहाँ पर अपडेट करना है। डिफाइन वर्क ऑप्शन, यहाँ से हम मटेरियल सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमें डिफरेंट मटेरियल अवेलेबल है जो हम यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करूँगा, मेन बॉडी पे जाके छोड़ूंगा और अप्लाई मटेरियल। ओके, यहाँ पर हमें मटेरियल दिखने रहे, सो वी यहाँ पे जाएंगे शेज,
यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन, यहाँ से हमें मटेरियल सिलेक्ट करना है, यहाँ पे। और अगर हमें एजेस नहीं चाहिए तो यहाँ से एजेस एंड पॉइंट ऑफ करेंगे। ओके, दिस इज़ अवर पार्ट रेडी फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सेफ। Stay updated for next part. Thank you very much.